भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुनील सिंह का प्रदेश नेतृत्व से घोषणा होने के बाद भाजपा जिला कार्यालय पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सादर सहित जिलाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने जिलाध्यक्ष सुनील सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करते हुए जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया और कहा कि सुनील सिंह एक छोटे से कार्यकर्ता से संगठन की सेवा करते हुए विभिन्न पदों पर रहते हुए आज जिलाध्यक्ष के पद पर स्थापित हुए हैं। जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने सबका धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी के भरोसे विश्वास पर सदैव खरा उतरने का प्रयास करूँगा। तेरा वैभव अमर रहे माँ के तर्ज पर माँ भारती की वंदना करते हुए सबके सहमति से कार्य करूँगा और भारतीय जनता पार्टी को जनपद में कैसे मजबूत कर सकते हैं उसके लिए सदैव समर्पित रूप से प्रयास करता रहूँगा। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिले के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने मिश्र बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं संग माल्यार्पण किया। सर्वप्रथम मैं आज अपने सभी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन लोगों ने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और विश्वास भी दिलाता हूँ सभी नेतृत्व को, जिस आशा एवं विश्वास के साथ उन लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरे प्रण प्राण से पूरा करने की कोशिश करूँगा। नए दायित्व मिला है, कार्य मिला है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यकर्ता आधारित सिद्धांत आधारित पार्टी है, इसमें अलग से कोई प्राथमिकताएं तय करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पार्टी के कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं का सम्मान दोनों हम सब लोगों के शीर्ष प्राथमिकता में रहेगा और सभी कार्यकर्ता मिल करके इसको पूर्ण करने का प्रयास करें। 2024 चुनाव नजदीक है और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निर्माण करेंगे? मैं पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वो अकेले कोई मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2024 के चुनाव के लिए पूरे प्रण प्राण से अब तक तैयारी हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में सभी शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में कर रहा था और उसी को हम सब लोग आगे बढ़ाते हुए 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ से जिताएंगे। सुनील जी, जिस तरह से अभी पिछले दिनों की बात किया जाए तो घोषित उपचुनाव में जो भाजपा की हार हुई है, ऐसे में क्या इससे भी आप लोग चुनौती में लेकर आगे काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक एक कार्यक्रम और एक एक चुनाव चुनौती के रूप में ही लेती है और जो भी उसमें कमियां रह गई हों उसका नेतृत्व स्वयं समीक्षा कर रहा है और उसके आधार पर आई हुई निर्देशों को पालन करते हुए हम सब लोग आगे प्रण प्राण से कार्यक्रमों में जुटेंगे। ठीक, आपके लिए।